हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज आप देख सकते हैं मैं तैयार हूँ। आज हमारी जो अफ्तारी है ना, वो है मेरे ताया के घर, तो वहाँ चलते हैं। मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ, पहली दफ़ा आप लोग उनसे भी इंट्रोड्यूस होंगे। चलें चलें मेरे साथ। हम फ्रेंड जी के घर पहुँच गए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? तब अल्लाह शुक्र। ये देखिए फ्रांस चाची सैंडविचेस बना रही हैं। भाई फ्रांस चाची इतने यम्मी लग रहे हैं, दिल कर रहा है अभी खा लूँ। हसन भी काम कर रहा है। मेरा भी इफ्तार नहीं होता। हाँ अभी आपको कुछ। हाँ आपके तो हम पहले भी माशाल्लाह से खाते रहे हैं। अच्छा, ओ ये चिप्स अभी से आपने बना के? हाँ ये चिप्स अभी। ये बड़ा अच्छा किया। अब मैं आपको परू चाचा के पैरट्स की, है ना, पैरट्स हैं क्या हैं जो भी हैं, बर्ड्स की कलेक्शन दिखाती हूँ, सारे दिखाती हूँ। दिखाओ ऊपर से कर। मम्मा अपनी भाभी के घर आके भी काम कर रही हैं, ज़बरदस्त। चलें ये रखें, ला दे। बिस्मिल्लाह। इसको हम रखते हैं यहाँ पे। कहते क्या रे, कितना प्यारा बाउल है। ये देखिए परू चाचा को प्लांट्स का भी बहुत शौक है इन्होंने अपने घर में, माशाल्लाह। मैं आपको ऊपर चल चल के दिखाती हूँ। ये देखिए सनफ्लावर, ये देखिए चलते ऊपर। वाह कितना प्यारा सनफ्लावर निकला हुआ है। और ये देखिए ऊपर हर जगह आपको प्लांट्स ही प्लांट्स दिखेंगे। अगर ये नोटिस करें आप तो ये देखें, ये राउंड में सारे लगाए हुए प्लांट्स, ये देखें। ये देखें सेंटर में ये रखे हैं। और ये देखिए परू चाचा ने मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं। वाह परू चाचा आपका माशाल्लाह से शौक ना ज़बरदस्त है। ये देखिए ओह कितना प्यारा है माशाल्लाह। वाह परू चाचा बहुत ये वैसे कर रहे हैं। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। और ये भी मुर्गी है एक।
अब हम नीचे जा रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो बैठे हुए? चीजों की देखभाल कर रहे। चीजों की देखभाल कर रहे, चीजों पे नियत लगा रहे हो। मुझसे पहले कोई खाना ले आके। ये दोस्तों, और ये रहा हसन। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम। कैसे हो? यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? छुट्टियां जा रही है। ये चिप्स फ्राई और पकौड़े, ये पकौड़े, मिक्स पकौड़े। मिक्स पकौड़े की कहानी तो आपको पता ही होगा, मैं ब्लॉग के नहीं पता। मीना के फेवरेट। और मेहमान आने शुरू हो गए, मैं आपको अपनी कज़न से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मीना की कज़न। हाँ, मैं विश्वा जी। ये मेरे बड़े ताया की बेटी हैं और ये इनकी माशाल्लाह बेटियाँ हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है बताओ? अनाया। अनाया, आप? वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएं? इशार। इशार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इफ्रा। आप? मरियम। मेरी कज़न। कैसी हो? अल्लाह के शुक्र। आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। मैं इनके बच्चों दिखाती हूँ। ये है आयजा। हाय करें, हाय करें। ये है अब्दुल। हाय करो। कहाँ की गाड़ी है? गुम हो गई। खामोश हो जाओ। खामोश हो। मैं आपको मिलवाती हूँ फराना चाची से, जिन्होंने इतनी मेहनत की है अफ्तारी में। ये रही फ्रानी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फ्रान चाची? तबीयत ठीक है आपकी? इतनी अच्छी अफ्तारी आज आपने की है ना कि मज़ा आ गया। बहुत हर चीज़ ज़बरदस्त, हर चीज़। खास तौर पर फ्रूट चाट टाइप मेरे फेवरेट, और सैंडविचेस भी आपने इतने मज़े के बनाए थे ना, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हाँ आप लोगों को पसंद आ गया? हाँ जी बिल्कुल। और ये बच्चों का शोर जो है ना इतना है कि हम लोग बाहर हैं। बच्चों का शोर बहुत शोर कर रहे हैं बच्चे मार्शल। और ये हैं मेरे ताया। और चाचा भैया ससु चाचा है ये मेरे। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र ठीक। छोटे भाई के घर आपने? हाँ जी, ये परु चाचा के घर आए थे। थैंक यू परु चाचा अफ्तारी के लिए, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत अच्छा। हाँ जी, आइए आयजा। हाँ आयजा, बहुत प्यारी लग रही हो आप। लाइबा। लाइबा कैसी हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? थ्री में।
अभी छुट्टियाँ हुई हैं आपको? ओ वाह, ईद की तैयारी कर ली? देखो मलाइबा इतनी माशाल्लाह से प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही हो आप बहुत। इफ्तारी के बाद फिर सेशन लग गया हमारा विद कोक। जी फ्रेंड्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्रामे चाची के घर से आ गए हैं और हमारी इफ्तारी इतनी कमाल की रही माशाल्लाह माशाल्लाह से, है ना मामा? माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनकी कमाई में बहुत बरकत दे कि चलो इतना बनाया बता माशाल्लाह से कि मैं तो बहुत ना, वो इतना ज़्यादा था, चाट भी, दही भल्ले भी माशाल्लाह। उन्होंने फिर हम लोगों को घर के सबको घर के लिए भी दिया सबको, और बहुत खुला इंतज़ाम था सब कुछ, अल्लाह आपने देखा ही होगा माशाल्लाह से, इतना अच्छा सब कुछ कि मज़ा आ गया। बल्कि मैंने तो बाज़ार सोचा था बाज़ार जाऊँगी इफ्तारी के बाद, तो वो बातें करते आज इतना लेट आया हम फ्रेंड चाची के घर से, कितने देर बजे आए हम? अभी आया तकरीबन अराउंड 12 o'clock, है ना? हाँ, पता नहीं चला, अराउंड 11:45 और 12 o'clock, और बहुत मज़ा आया। और हालांकि उनकी तबीयत ठीक भी नहीं होती, मेरे उसके बावजूद उन्होंने इतनी मेहनत की, बहुत 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 मेहनत की फ्रना चाची ने, बेचारी अकेले लगी हुई थी, हसन भी हेल्प कर रहा था नो डाउट, और परू चाचा भी, लेकिन लेडी तो वन ईयर एक ही है ना उनके घर में, लेकिन वो बेचारी अकेले लगी हुई, और हसन ने चिप्स बनाए थे और इतने कमाल के चिप्स बनाए थे, चिप्स तो फ्राइज, हसन के चिप्स तो कमाल, बहुत ज़बरदस्त चिप्स थे। हालांकि सब जो हसन से रेसिपी पूछ रहे हैं, हसन रेसिपी बताओ ये चिप्स इतने अच्छे कैसे, अगर मास्टर शेफ बना हुआ हसन आज सब उसको फ्राइज की रेसिपी उससे पूछा। वाकई चिप्स बहुत कमाल होते हैं, देखो चिप्स गरम गरम खाओ ना ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन वो ठंडे होकर भी अच्छे थे, लग रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हूँ, तो असल में मेन क्रेडिट उसकी जाता है कि उसने हर चीज टाइम के हिसाब से सही की उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हूँ, सीखना पड़ेगा खैर। मैं उससे पूछ रही हूँ हसन, तो मुझे बताओ कैसे तुमने मतलब कैसे बनाया रेसिपी बताओ, बेचारा मुझे बता रहा। मैंने कहा हसन एक चिप्स की रेसिपी है, वो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। कि मतलब वो मतलब बता बहुत अच्छे तरीके से, कह रहा बिना 15 रोज़े का एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ तुम्हें मैं, उस एक्सपीरियंस से बता रहा था, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत 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 अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खूब कमाई में बरकत डाले। प्राण चाची परू चाचा वासे भाई नहीं थे, वासे भाई माशाल्लाह से वासे को हमने बहुत मिस किया, वो सऊदीया में होते हैं और बहुत ज़्यादा मिस किया वो, मतलब ना पूरी फैमिली को ना पूरे खानदान को हमारे ददियाल के वो एक जॉइंट करके रखते हैं सबको ज्वाइन करके, मतलब सबको एक साथ रखते हैं, तो वो नहीं थे, उनको बहुत मिस किया, फ्रना चाची बहुत मिस कर रही थी उनको, कहते दिल से शिद्दत से आज तो दिल कर रहा है मेरा, कॉल आ रही है किसी की, तो बस ये कि मतलब वासु भाई को बहुत मिस किया, लेकिन फ्रना चाची वगैरह ने इतना अच्छा इंतजाम किया हुआ था कि मतलब उन्होंने उनकी कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश की हुई थी, और होपफुली वो भी वासु भाई भी मिस कर रहे होंगे। जी तो बस अल्लाह ताला बहुत कमाई में बरकत डाले फ्रना चाची परू चाचा वासु भाई हस्बैंड की कमाई में, और बहुत अच्छा रहा सब कुछ। तो बस अब हम लोग तो घर आ गए, काफ़ी लेट हो गया, और बस हम लोग बैठे हुए अब टीवी देखते हैं थोड़ी देर, और फिर आज हो जाएगा सहरी का वक्त, फिर आपसे मिलते हैं। और मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि मैं अपने सारे ताया ताई वगैरह को चाचा चाची क्यों कहती हूँ। मैं चाचा चाची इसलिए कहती हूँ कि जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, तो मेरे बाबा जो हैं वो अपने सारे बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं, मतलब सबसे छोटे भाई हैं, तो मेरे जो बड़े ताया के बच्चे हैं वो जो है ना, मतलब बाकी सारे ताया के बच्चे वो चाचा चाची कहते थे सारे, मतलब मेरे ताया ताई वगैरह को, तो उनको देखा देखी जब मैं छोटी होती थी तो मुझे आदत पड़ गई चाचा चाची कहने की, तो अपने सारे ताया ताई वगैरह को चाचा चाची कहती होती हूँ मैं अभी तक, मैं और अली तो, और क्या कहते हैं, लेकिन सिर्फ मेरे जो सबसे बड़े ताया है ना, मतलब उनकी डेथ हो गई है, लेकिन ताया को उनको हम ताया कहते होते हैं, ताया अबू, वरना बाकी जितने मेरे ताया है ना उन सब को जो है ना हम चाचा कहते होते हैं, और ऑब्वियसली उनकी वाइफ्स को चाची वगैरह, तो बस ये मेरे को मैं ज़रूर बस अपडेट कर दो इस चीज़ के बारे में, मैं अपने सारे ताया ताई को चाचा चाची क्यों कहती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पराठे और रोटियाँ तैयार हो गई हैं। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी हो गई है और बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया।
सैरी करने का मैंने बनाया नहीं व्लॉग उसमें सैरी का, तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं अपने व्लॉग्स बनाती हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।